बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाई ले, जहरीले होंगे आप, सब तेरा नचाएगा सांप। ये बात, अब लग रहे ना आप बिल्कुल देवता टाइप, रूप में निखार आ गया, अब फेस लिफ्ट मिल गया आपको सर्वकाल। रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाता, क्योंकि सियार अगर भेड़ की खाल ओढ़ ले तो भी वो सियार ही रहेगा, और सिंह अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा ले तो भी सिंह ही रहेगा। चेन में बंधे बंधे बड़े बेचैन लग रहे हैं आप सर्वकाल, जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे आवश्यकता नहीं पूछने की, क्योंकि मैं जानता हूँ इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वाओ, रियली? मतलब मेरे बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, और आपको एक सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं सर्वकाल हूँ, ब्रह्मांड का सर्व ज्ञाता, सर्व अंतर्यामी। तुम्हें मेरे सामने ये मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, आप तो सच में सर्वज्ञाता हैं। तो चलिए मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखा ही देता हूं। रे के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने बालवी। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? उस नकाब पोश के बाइक का नंबर मिल जाए तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाब पोश फाइटिंग करता है, उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे, ये तो वही हथियार है जो नकाब पोश ने तमन्ना शाह से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? तुम दोनों? यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चला चिंटी।
दिमनासा के बिछाए सर्पजाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो, कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा दिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिमनासा की मौत बनने वाली है। जैसे मुझे तिमनासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिमनासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है, वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का माया जाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूँ। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिमनासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है, तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो, वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहां से मिला? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना, हमारे पापा ही ना परसों ही मार्स से लेके आए थे, और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुले की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सुप्रीम गिफ्ट कर दो। लाओ। चिंटी, वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। एए! लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? होश बस के पास तो परियों का सामना चपकली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तिमनासा से टक्कर ले रहा था, तो फिर उसका ये हथियार उस बस की पर कैसे मिला? ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिमनासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी। अरे आने से पहले रेडी स्टेडी गो तो बोल लो। क्या हुआ? लग रहा है मेरी सर्प सेना को कोई मार रहा है।
बड़े जिद्दी किस्म के सांप हो यार। मौका मिलते ही डस लिया। किसकी हिम्मत हुई सुरक्षा घेरे को तोड़ने की? कौन आया था यहाँ? ये सब कुछ उसी नकाबपोश ने किया है। नकाबपोश? हाँ, लेकिन मेरे एक सांप ने उस नकाबपोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि मेरे जहर का तोड़ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसका मतलब वो नकाबपोश कोई आम योद्धा नहीं है, बल्कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं। और केवल तुम्हें यहां से जाना चाहिए। वो जरूर गुफा के अंदर आया होगा, लेकिन सर्फ काल के पास वो करने क्या आया था? अरे वो टेरेस पर भी नहीं है। कौन टेरेस पर नहीं है मम्मी? अब तुझे ढूंढ रही है। अरे देमू, वो जब से तुझे स्कूल छोड़ने गया था तब से घर वापस ही नहीं लौटा है। क्या ये पूरी संचय गायब है? सर्वकाल की दी हुई पहेली बाद में सुलझाऊंगा, लेकिन इस वक्त माँ और विवान के सवालों से बचना पड़ेगा। देबू भैया, अब माँ एक साथ प्यार और सवाल दोनों की बौछार करेगी। तैयार हो जाओ देबू। 1 2 3 देबू। हाँ। तुम थे कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ मैं वो तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाया माँ मैंने वो खाना। तुमने कुछ उल्टा सीधा ही खाया होगा। बताओ ना, चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। नहीं मम्मी, काम डाउन। अब अपने सवालों पर ब्रेक लगाएंगे, तब ना देबू भी अपने आंसर्स दे पाएंगे। अरे हाँ, तुम इधर आओ, इधर बैठो। अरे अब चुप नहीं रहो, बोलो भी। थैंक यू विवान। थैंक यू बाद में, पहले आंसर दीजिए कि आप मुझे छोड़कर बस स्टॉप कहाँ गायब थे नॉनस्टॉप? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर वापस ही आ रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में एक लेडी मिली जिनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, और इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। ये कौन सा लॉजिक है भैया? अगर टायर पंचर हुआ था तो हॉस्पिटल क्या करने ले गए थे? अरे नहीं नहीं, तुम समझे नहीं विमान। वो जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, और इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, वो भी स्वस्थ है और उन्हें एक लड़की हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने किसी की मदद की। लेकिन देबू, अगली बार से ना मुझे फोन कर दिया करो, वरना तुम्हें पता है ना मेरा बीपी ऊपर नीचे। नहीं माँ, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, अगली बार ध्यान रखूंगा। सॉरी। इट्स ओके। अच्छा चलो, अब तुम तीनों हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी, जब बेबी पैदा होता है तो मम्मी को दर्द होता होगा ना? हाँ, तो आपको भी बहुत पेन हुआ होगा ना जब देबू भैया, विवान और मैं पैदा हुए थे? अरे खुशी, अभी अभी माँ के सवाल बंद हुए, तुमने अपने सवाल चालू कर दिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो माँ। अरे देबू, ये तुम्हारे हाथ पे चोट के निशान कैसे लगे? ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो चलो डॉक्टर के पास मेरे साथ। नहीं नहीं माँ, मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, उन्होंने कहा कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से हुआ है।
मतलब ज्यादा धूप की वजह से। चिंता करने की कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी लिख के दी है, मैं खुद लेकर आता हूँ। अरे अरे लेकिन दवाइयाँ तो मैं फोन पे मंगा लूंगी ना। नहीं नहीं माँ, मेडिकल शॉप पास में ही है ना, मैं जुब से गया और जुब से आता हूँ, चिंता मत करो। वो नकाब पोश आखिर तुम्हारे पास आया क्यों था? मुझे सीधे सीधे जवाब देना सरकार, क्या तुमने उस नकाब पोश को छुपी हुई शक्ति के बारे में कुछ भी बताया है? हो सकता है बता दिया हो मैंने, क्योंकि शत्रु का शत्रु आखिर मित्र ही तो होता है ना? तुम्हें इतनी बड़ी गलत फहमी हो भी कैसे सकती है सरकार? जिस छुपी हुई शक्ति को तिमनासा नहीं ढूंढ पाई उसे वो नकाब पोश ढूंढेगा, मजाक लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी छोटी सी अकल में ये बात नहीं आती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज भागने से ज्यादा जरूरी होता है सही दिशा में भागना, और मेरी मदद से नकाब पोश ने सही दिशा में कदम उठा लिया है। अच्छा सरकार, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तिनका बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है ना, तो मैं बहुत जल्द उसके पर काटने वाली हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नागिनी ने उसके अंदर अपना जहर छोड़ दिया है। तो आखिर तुम आ ही गए उस जगह जहां तुम्हारी शक्तियां छीनी गई थी। वीरलोक के हर वासी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा थी बालवीर, और मैं भी तुम्हारे लौटने की राह देख रहा था। वील लोक में वापस लौटकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है शौर्य, लेकिन मैंने जो किया वो भी बहुत जरूरी था। जब सर्वकाल से मुझे छुपी शक्ति के बारे में पता चला तब तिमनासा को मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। शौर्य, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अभी। छुपी शक्ति? मुझे ऐसी किसी शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं शौर्य, मैं उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगा लूंगा, लेकिन अभी तिमनासा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए वो मुझे रोकने की जरूर कोशिश करेगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तिमनासा का मुझ पर से ध्यान हट जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? मुश्किल सही, मगर एक योजना है मेरे पास, और उसके बाद ही हमने सर्वकाल पर हमले का नाटक किया। मेरी इस प्राण ऊर्जा से अगर तुम सर्वकाल पर हमला करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें खुद सर्वकाल के पास जाकर इस प्राण ऊर्जा का धमाका करना होगा। तिमनासा को तेल के दाने जितना भी शक ना हो, इसके लिए हमने परियो और विवान तक को सच नहीं बताया। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि धरती वासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा, क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियाँ छीनता हूँ, और उसके बाद मैं देवू बन गया, वो देवू जिसके पास ना ही शक्तियाँ थी और ना ही याददाश्त। ठीक है ना बेटा? आपने मुझे बेटा क्यों बोला? आप मुझे जानती है? जब्दाली और तौबा तौबा के कानों में भी ये खबर हमने ही डाली ताकि वो लोग तिमनासा को देबू के बारे में बताएं। उस बालवीर ने ना हम दोनों को पहचाने नहीं। हाँ, और कौन तिमनासा बोल रहा था? कौन तिमनासा? लेकिन तिमनासा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने धरती पर परमाणु विस्फोटक लगा दिया,
लेकिन मैंने भी अकल का कच्चा बनकर जानबूझ के तिमनासा को उसी के जाल में फंसा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। डरपोक देवू का नाटक करते हुए मैंने उस परमाणु विस्फोटक का ट्रिगर भी चुरा लिया। अरे ये तो मेरा है, वो चूहे से भागते भागते मेरी जेब से गिर गया होगा। एक सेकंड दिखाइए, इस पे तो ट्रिगर लिखा है। हाँ, वो बंदूक में होता है वैसा ट्रिगर। या फिर जिससे बम को ऑन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सारी अड़चनों के बावजूद तिमनासा ने वो परमाणु हथियार बना लिया, इसलिए मुझे खुद जाकर उस परमाणु हथियार के ट्रिगर का कनेक्शन तोड़ना पड़ा। एक सच को छुपाने के लिए ना जाने मुझे और आपको कितने झूठ बोलने पड़े, लेकिन फिर भी तिमनासा और विवान को शक हो ही गया, मेरी शक्तियां नहीं गई। और इसी शक को दूर करने के लिए तिमनासा ने खुशी को अगवा कर लिया, और उसे बचाने के लिए तुम्हें एक नया रूप लेना पड़ा, नकाबपोश का। अगर देवू भैया नकाबपोश नहीं है तो आखिर नकाबपोश है कौन? अब जरा पता तो लगाओ कि ये वेपन किस मेटल से बना है। नकाबपोश की सच्चाई तो हमने छुपा ली, लेकिन तिमनासा ने मेरे नहले का जवाब दहले से दिया। यहां तक कि मेरी सच्चाई जानने के लिए उसने मुझे ही अगवा कर लिया। तुम ही बालवीर हो, तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूं तिमनासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खोलना पड़ेगा। तिमनासा के भंवर में फंसते हुए मैंने भी दृश्यम का इस्तेमाल कर दिया। अपनी परछाई को तिमनासा के पास भेजकर मैं नकाबपोश बन के विवान की मदद के लिए पहुंच गया। एक तरफ मुझे तिमनासा की नजरों से बचना था और दूसरी तरफ विवान का शक भी दूर करना था, इसलिए देवू की परछाई को और नकाबपोश को मुझे अंत में एक करना पड़ा। और ऐसा करने के लिए मैंने उसी तरकीब का इस्तेमाल किया जिस तरकीब से कोई जादूगर लोगों को धोखे में डाल देता है। पिछले कुछ दिनों से तुम तलवार की धार पर चल रहे थे बालवीर, लेकिन अब तिमनासा से लेकर विवान तक हर किसी को विश्वास हो चुका है कि देवू और नकाबपोश दो अलग लोग हैं। इस वेपन का मेटल तो सचमुच किसी दूसरे प्लेनेट से आया है, लेकिन अगर नकाबपोश धरती का रहने वाला है तो उसका यह हथियार किसी दूसरे लोग से कैसे हो सकता है? इतने सारी मेहनत के बाद आज आखिरकार वो दिन आ गया जब सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दिया। कैसा सुराग बालवीर? ये सुराग एक पहेली के रूप में है। वो छुपी शक्ति एक ऐसे जीव में है जो खुद ही अपना पिता है, खुद ही अपनी माता है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, खुद अपना विधाता है। ये तो बहुत ही जटिल पहेली है, इसे सुलझाने में बहुत समय लगेगा बालवीर, और ये तुम्हें खुद ही सुलझानी होगी क्योंकि भाग्य ने यह पहेली तुम्हारे हाथों में सौंपी है। ठीक है शौर्य, लेकिन इस पहेली के अलावा भी एक और पहेली है जो मुझे कब से परेशान की जा रही है। कौन सी पहेली? भारत नगर में कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है, यहां तक कि उसने मेरे कमरे की भी तलाशी ली है। आपको क्या लगता है शौर्य, कौन हो सकता है ये जासूस?
है, लेकिन ये विवान के पास कैसे आया? विवान, तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता ना? तू एक नया टॉय लाया और अकेले अकेले खेल रहा है, मेरे को भी दिखा। ये जासूस जो कोई भी है, लेकिन तिम्नासा के दृष्टि भ्रम जादू के पीछे छुपा होने के कारण मुझे उसकी पहचान नहीं पता चल पा रही है। क्या हुआ बालवीर? ये तो उस नागनी का जहर है। हाँ शौर्य, जहर धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलता ही जा रहा है। मैंने अपने जादू से इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा है। इन दिव्य जीवनी पौधों के पत्ते मसलकर तुम अभी अपने घाव पर लगाओ बालवीर। दिव्य जीवनी के असर से जहर फैलना तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी मेरे हाथ से जहर नहीं उतरा। जहर का तुम्हारे शरीर से पूरी तरह बाहर निकलना आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे इस दवा का प्रभाव खत्म होने लगेगा। तो शौर्य, नागिनी के जहर को पूरी तरह से मेरे शरीर से कैसे निकाला जा सकता है? ये विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है, इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह वो ही निकाल सकती है। लेकिन नागिनी जहर को मेरे शरीर में से खुद क्यों निकालेगी? मुझे विश्वास है तुम कोई ना कोई उपाय निकाल लोगे बालवीर। सॉरी, इसका तो मैं हल ढूंढ लूंगा, लेकिन माँ कैसी है? पिछले कुछ दिनों से अपनी पहचान छुपाने में मैं वे लोग नहीं आ पाया, इसलिए कितने दिन हो गए लेकिन माँ से भी नहीं मिल पाया। बाल परी की स्थिति पहले से अच्छी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने में थोड़ा और समय लगेगा बालवीर। ठीक है शौर्य, आप मां का ख्याल रखिएगा। खुश रहो बालवीर। खुश रहो शौर्य, जल्दी ही फिर मिलेंगे। अगर इनके जैसी ममता और प्यार से भरी मां संसार के हर बच्चे को मिल जाए, तो इस संसार में तिम्नासा जैसी बुराई का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। माँ, अरे देवू तुम आ गए बेटा, दवाई लाए हो? हाँ, उससे फर्क हुआ कुछ? दिखाओ। माँ, डॉक्टर ने दवाई नहीं, संजीवनी बूटी दी है। ये देखो, हाथ में घाव तो क्या निशान भी नहीं बचा, एकदम साफ हो गया और दर्द भी नहीं हो रहा है। अब देखो ना माँ, स्किन एकदम चमक रही है ना? मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लाइए ना। हाँ हाँ ला रही। कहाँ रह गई मम्मी? क्या हुआ भैया, टेबल पर इतना टेस्टी खाना रखा है और आप इस वेपन को क्यों खो रहे हो? ये तो नका पोछ का हथियार है ना। ये तुम्हारे पास कैसे आया? भैया ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस वेपन से मुझे बहुत बड़ा सुराग मिल गया है, जिससे मैं नका पोछ तक पहुंच सकता हूँ। हमें उस नका पोछ को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन क्यों ढूंढना होगा? तन्नासा, नागिनी के साथ ने उसे डस ही लिया है ना ब।
बहुत जल्द वो अपनी मौत से मिलने ही वाला है। नहीं बेमार, मुझे वो नकाब पोश जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा जवाब? इस सवाल का जवाब कि सरकार ने उसे कौन सी पहेली बताई है जिसे सुलझा कर वो छुपी शक्ति तक पहुंच सकता है। चुप क्यों दिमनासा, कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुम्हें? जहरीले पेड़ को अगर काट भी दिया जाए ना भैमार, तो भी उस पर से नए पत्ते निकलने की संभावना होती है। इसलिए मैं उस नकाब पोष को मारने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। क्या सुराग मिला है तुम्हें? यही कि ये वेपन जिस मेटल से बनता है वो धरती पर मिलता ही नहीं है, तो जरूर ये किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वेपन किसी दूसरे प्लैनेट या लोक से आया है तो हो सकता है कि नकाब पोश भी किसी दूसरे लोक से आया हो। ये तो वीलोक के धातु से बना हथियार है, अगर विवान को पता चल गया तो ये नकाब पोश की सच्चाई तक पहुंचने में देर नहीं करेगा। मैं अभी वीरलोक जाकर परियों से इस मेटल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, तब तक आप ध्यान रखना कि मम्मी मुझे ज्यादा मिस ना करे, ठीक है? मुझे विवान को अभी रोकना पड़ेगा। थम जाए पाओ, रुक जाए जांच, रोक लो करुणा जी इसको आप आज। विवान, ये क्या? तुम डिनर टेबल पे बैठने वाला था या डाइव मारने वाला था? वो मम्मी क्या है ना कि आपका खाना देखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो आज तो मैं एकदम जम के खाऊंगा, तो इसलिए पेट में जगह कर रहा था वार्म अप करके। पेट में जगह करने के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आओ बैठो तुम लोग सब। खुशी, बात तो सही है, मटर पनीर का टेस्ट ठंडा होने के बाद सैड सॉन्ग जैसा हो जाएगा। ओके, डिनर करके ही चला जाऊंगा वीर लोग। इसकी ना बने कोई बात, माँ के पास कटे इसकी पूरी रात। वैसे विवान, मैं ये सोच रही हूँ कि तू और खुशी आज रात को मेरे साथ सोना, ताकि मैं तुम दोनों को लोरी गाकर सुनाऊं। क्यों? क्यों क्या? माँ हूँ तुम्हारी, तुम पर लाड़ नहीं जता सकती क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी लोरी बहुत पसंद है। मम्मी के दिल में आज ही इतनी ममता बढ़ानी थी, आज तो तू वीरलोक नहीं जा पाएगा विवान। तौबा तौबा, क्या बना रखा है? मौत से बचने के लिए ये सब पहना हुआ है मैंने। परानी, आपने मुझे इसे जोखिम भरे जगह पर क्यों भेजा? सीधा सीधा बताओ तौबा तौबा, क्या हुआ वरना? हाँ, बताता हूँ। राजा, दरअसल बात यह है, आजकल धरती लोक पर एक खतरनाक विषाणु फैला हुआ है, इसका नाम है कोबोना विषाणु। धरती वाले उसे कोबोना वायरस बोलते हैं। भैरानी ने मुझे उस जगह भेजा था जहाँ से वो विषाणु और उसका इलाज मिल सके। ये बताओ तौबा तौबा कि तुम्हें उस जगह का पता चला या फिर ऐसे ही मूर्खों की तरह खाली हाथ लौट आए हो? आज जगह का तो पता चल गया भैरानी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाना मतलब मौत से खेलना है। जाना तो पड़ेगा तौबा तौबा, क्योंकि विषाणु ही एक ऐसा जाल है जिसमें वो नकाब पोश फंस जाएगा। माफ करना विमान, लेकिन उस छुपी शक्ति के बारे में मुझे अकेले ही पता लगाना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि सर्वकाल ने मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में एक सुराग दे दिया है, बस एक बार वो छुपी शक्ति मुझे मिल जाए फिर मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगा विमान।
आखिर कौन सी हो सकती है वो चीज जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो खुद अपना विधाता है। क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? अरे खुशी, तुम? अरे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन आप बताओ देबू भैया, आप यहाँ पे लिविंग रूम में इतनी रात को क्या कर रहे हो खेले? अरे क्या बड़बड़ा रहे थे आप? माता पिता सदियों पुराना। मैं तो बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। वो मन को शांति मिलती है ना, इसलिए। आखिर वो विपिन किससे चुराया था और क्यों? क्या हुआ ब्रो, निशाना चूक कैसे गया तुम्हारा? मैं चाहूँ तो निशाना एक उड़ते हुए पंछी पर भी लगा सकता हूँ। वैसे तुम्हारे लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया हूँ। उस लेटर में न्यूज न्यूज तो न्यूज चैनल पे आता है ना, लेटर में कब से आने लगा? जब से बालवीर मेरा हथियार अपने घर में छुपा के रखने लगा। मोनू ब्रो तुम गलत समझ रहे हो, वो वेपन मैंने चुराया नहीं था, वो तुम चल चल भाई, कहीं इस तूतू मैमे के चक्कर में वो ब्रेकिंग न्यूज कहीं ओल्ड न्यूज ना बन जाए। गुड बाइंड। तुमनासा कोई बहुत बड़ा गेम शुरू करने वाली है, लंबी इनिंग खेलने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। कौन सा गेम? अरे वालो आधी न्यूज देखकर कहाँ जा रहे हो? आज तो इसका नकाब उतारना ही पड़ेगा। आज तो मैं आपका नूरानी चेहरा देखकर ही रहूंगा। अगर खुली आंखों से सूरज को देखोगे तो चेहरा जल जाएगा विमान। नहीं जलेगी, आई प्रॉमिस, क्योंकि विमान को सनराइज और सनसेट देखना बहुत पसंद है। मैं सनराइज या सनसेट वाला सन नहीं हूँ, मैं जून की गर्मी वाला सन हूँ। सो बी केयरफुल। मुझे केयरफुल रहने को बोल रहे हो और खुद फियरफुल होकर भाग रहे हो? सिंपल सी बात है विवान, सुपर हीरो की आइडेंटिटी हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। लेकिन दो सुपर हीरोज के बीच में कैसा सीक्रेट? Not cool, bro.
बांधना है तो भरोसी का रिश्ता बांधो ना मेरे साथ। मुझे पेड़ के साथ क्यों बांध रहे हो? पेड़ हमारे जीवन दाता है, हमारे पिता है, माता है। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे। थैंक यू विवाद। देवा करी का चांस ही नहीं था और फ्री में थैंक यू बोल के निकल गए। अब तुम ऐसा कौन सा खेल खेलने वाली है? तिम्नासा, नकाबपोश ने तुम्हारे अगली योजना के बारे में विवान को चेतावनी दे दी है। ठीक है खुशी, मुझे हर पल की जानकारी देती रहो। ये तुम हमें कहाँ ले आई हो तिम्नासा? बीमार, हम लब रोटी जा रहे हैं। लब रोटी? लब रोटी नहीं, लब रोटी री यानी प्रयोगशाला। यहाँ पर वैज्ञानिक हर बीमारी का इलाज ढूंढते हैं। लबोरेटरी। अंदर चले। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? और ये क्या पहन रखा है आप लोगों ने? किसी नाटक मंडली से आए हो क्या? जाओ बाहर निकलो। हम अंदर कैसे आए इस चीज की चिंता तुम मत करो, बल्कि फिक्र इस चीज की करो कि तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे जाओगे। हमें डिस्टर्ब मत करिए, हम यहाँ एक बहुत खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। अच्छा, उसी की शाबाशी देने के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें। बहुत खूब। कौन है तुम लोग? सिक्योरिटी बाहर निकालो इनको। अरे इतना नाराज होने वाली बात क्या है, इतना जलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी शाबाशी मिलेगी। सब बेहोशी हो गए ना? अब इस विषाणु के जहर से धरती लोक पे मचेगा कहर और मेरी जाल में फंस जाएगा नकाबपोश। पहेली का आधा हिस्सा तो सुलझा लिया, पेड़। लेकिन किस तरह का पेड़? दुनिया में तो पेड़ों की सैकड़ों जातियां हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जो सदियों तक जिंदा रहता है और जो अपना ही विधाता है? देवू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? खाना खाओ ना, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं ये सोच रहा था कि आप तो हमेशा ही हमें खिलाती रहती है, आज आप भी हमारे साथ खाइए ना। बोलो नहीं, सुनो। माँ की आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ और सोच रहे थे। अरे भले ही क्या सोच रहे थे मत बताओ मुझे, लेकिन कम से कम जो भी सोचना है खाते खाते तो सोचो। माँ, मैं तो बाद में खा लूंगा, आज आप पहले खाइए, लीजिए। बेटा भूखा रहे और माँ खाले ऐसे कैसे हो सकता है? लो तुम खाओ पहले। नहीं माँ, पहले आप खाइए। देखो बेटा, अपनी माँ को कभी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि माँ खुद से भी ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ का प्यार सदियों तक जिंदा रहता है, बिल्कुल किसी बरगद के पेड़ की तरह। बरगद का पेड़? हाँ दादाजी, बरगद का पेड़।
देवू, ऐसा मस्का तो विवान लगाता है, तुम्हें क्या चाहिए आज बोलो। माँ मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आप दोनों को देना चाहता हूँ। क्या क्या? एक प्यारी सी जप्पी। सर्वकाल ने कहा था और सुपर शक्ति तक पहुँचने का दरवाजा भारत नगर में है, इसका मतलब मुझे बरगद का पेड़ भी भारत नगर में ही ढूंढना होगा। तिन्नासा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रवि, अगर आप काल लोक की राजगद्दी त्याग कर वैज्ञानिक बनने का सोच रही क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाकर जाइएगा। नहीं नहीं, आप वैज्ञानिक, मैं काल लोक का सेनापति। मतलब क्या कहा? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। इतनी देर से इस विषाणु को घूर क्या रही हो तुम नास? कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? ये क्या किया भैरानी आपने? आप मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा जीने का अधिकार तो मत छीनिए। तौबा तौबा, समझ बात को। भैरानी जरूर कोई नई वो देना चाहती है, शक्ति, इसलिए ऐसा किया है। मेरे मूर्ख जगदाली, ये तुम्हें मैंने कोई शक्ति नहीं दी, बल्कि तुम्हारे ऊपर मैंने खतरनाक विषाणु डाल दिए हैं। लेकिन इसके करने के पीछे मकसद क्या है? हम सबको मारना चाहती है या कोई नई योजना चल रही है तुम्हारे दिमाग में? सारा दी, मुझे सारा दीदी। मरानी, अच्छा सिला दिया आपने मेरे प्यार का, मतलब मेरे वफादारी का। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें, तौबा तौबा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे, यहाँ पर हमारा काम तमाम बने जा रहा है और आपको अपना काम निकालने की पड़ी है। अरे धिक्कार है आप जैसे लाल के रानी पर। भैरानी, इस विषाणु का प्रभाव इस बीमार पर क्यों नहीं हो रहा? अपनी प्रजा के साथ आप वो कर रही है, भेदभाव। तिम्नासा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती जबदाली, और बात अगर बुराई की हो तो कभी भी नहीं। भैमार के ऊपर इसका असर थोड़ा देर से होगा, क्योंकि भैमार बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है तिम्नासा? आखिर ये विषाणु हम पे डाल के तुम्हें हासिल होगा क्या? मैं चाहती हूँ कि ये विषाणु अपने ऊपर लेकर तुम सब पृथ्वी लोक जाओ और पृथ्वी निवासियों के ऊपर ये बीमारी लगा दो, ताकि वो नकाबपोश घुटने टेक कर मेरे सामने आ जाए। भैरानी, इस एक नकाबपोश का मुखौटा उतारने के चक्कर में उन्हें वफादारों की वो दे रही है कुर्बानी? कुर्बानी नहीं दे रही जबदाली, इसके बाद तुम्हें इनाम भी मिलेगा। इनाम लेके क्या चिता पर जाएंगे? चिता तो जलेगी, लेकिन तुम्हारी नहीं बल्कि उस नकाबपोश की। अब जाओ तुम लोग। नकाबपोश और छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरे काल्लोक की भी चिता जलानी पड़ जाए तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी। अरे चिंटू चिंटू, तुम दोनों यहाँ? वो भैया, आप ये पेड़ पर नॉक नॉक क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर पेड़ को गाने सुनाओ या फिर उनसे अच्छी अच्छी बातें करो तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। और कितना बड़ा हो गया पेड़? हाँ, अब
अनन्या दीदी ठीक कहती है, आपके टॉप फ्लोर में सन्नाटा छाया हुआ है देवी भैया। और अनन्या का तो टॉप फ्लोर बना ही नहीं। वैसे है कहाँ वो मैडम जी, मिस पुणे रिजेक्ट? वन वीक के लिए पुणे गई है, अब हम भी जा रहे हैं। कहाँ? पुणे? आपको क्या मतलब? अब चलो चिंटू भैया। हाँ चिंटी। ऐसे चांस अच्छा है, हम देव भैया को ब्रेक डांस करवा सकते हैं। अब समझ रहे हो ना भैया मैं क्या बोल रही हूँ? गड्ढा तैयार है, अब भाभी तैयार हो जाओ भैया। हाँ चिंटी। आउच! पैर में मूंछ आ गई। भैया, चिंटू भैया के पैर में मूंछ आ गई है। हेल्प! उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। देवो भैया, हेल्प! हाँ, क्या हुआ? अरे हमारी हेल्प के चक्कर में देवो भैया खुद डॉक्टर के पास जाएंगे। आया 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 आया, तो पैर में लगा प्लास्टर। अरे क्या हुआ, किसको चोट लगी? अरे बोलो ना क्या हुआ चिंटू? चिंटी चिंटू बोलो क्या हुआ, किसको लगी है चोट? बोलो ना। अरे बोलो चिंटी बोलो। अरे बोलो बोलो किसको चोट लगी है? अरे चिंटी, बहुत ही स्टूपिड प्लान था तेरा। वैसे हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई, कम से कम कोई तो गिरा इस गड्ढे में। अब इस डफर से हेल्प मांगनी पड़ेगी। अब समझ में आया, इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। क्या? हाँ माई परी, ये मैसेज खुद नकाबपोश ने मुझे भेजा है। ठीक है विवान, मैं बाकी परियों के साथ ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि तिमनासा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की ताक में है। तब तक मुझे भी भारत नगर को स्कैन कर लेना चाहिए, क्योंकि टिम्मी आंटी को भारत नगर से स्पेशल नफरत है। सबसे पहले विवान के दोस्तों तक ये विषाणु फैलाता हूँ, ताकि विवान तक भी ये विषाणु पहुंच जाए। तुतली, तुझसे तो अच्छी चीजें बना लेता हूँ मैं। मैंने दो ऑलरेडी बना दिए। अरे क्या कर रहे हो, ये मिट्टी है, कोई होली का गुलाल नहीं, इससे मत खेलो। अरे दादाजी, मिट्टी में तो पेड़ पौधे फल फूल ये सब कुछ उगते हैं, तो फिर मिट्टी गंदी कैसे हुई? हम लोग मिट्टी में क्यों ना खेलें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिट्टी में क्यों नहीं खेलना चाहिए। मिट्टी को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जैसे कि जलोढ़, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। बस बस दादा जी, हमने सब कुछ समझ गए। अरे कैसे समझ गए, अब तक तो मैंने ठीक से समझाना शुरू भी नहीं किया। देखो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, रोगाणु भी होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। अब तुम पूछोगे कि वायरस क्या होता है? अरे पूछो पूछो। हाँ क्या 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 होता है, क्या होता है? तो वायरस कई प्रकार के होते हैं। तूने क्यों पूछा दादाजी से? अरे अब फंस गए ना, अब दादाजी ना हमारे दिमाग में वायरस बन के घुस जाएंगे। सॉरी, निकलना पड़ेगा यहाँ से। कहाना मिट्टी में मत खेलो। दादाजी हमने हमने ये दादाजी, मुझे तो लगता है इससे भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। अच्छे दादा सुना, अरे मिट्टी में खेलो ठीक होगे? ठीक ना नहीं, अरे ठीक ना नहीं, चल चल चल, ऐसे अच्छी अच्छी करने से ही नजला होता है और बीमारियां फैलती है। छींकोगे तो सर्दी होगी, जुकाम होगा, जुकाम से बीमारी फैलती है। हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, ठीक से हाथ साफ करो। हाँ अब तुम पूछोगे
कि बीमारी कैसे फैलती है, तो बीमारी कीटाणु की वजह से फैलती है। कीटाणु हवा में, पानी में, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब तुम पूछोगे कि इन कीटाणुओं से कैसे बचा जाए। विवान के दोस्त ना सही, विवान के दादाजी से मैं इन्हें विषाणु दे देता हूँ। अरे बस करो गुरुदेव, आपके ज्ञान के धार से मेरा गला मत काटो। कीटाणु जीवाणु रोगाणु के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं 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 बेटा, तुमने मुझे गुरुदेव कहा है तो गुरु के नाते एक शिष्य को पूरा ज्ञान देना मेरा फर्ज बनता है। ये गुट्टा इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? बेटा तुम अचानक गिर कैसे गए? बेटा जवाब दो, क्यों बात नहीं करते? कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, पीठ पे खुजली हो रही थी तो खुजा रहा था। है? मिट गई खुजली। ए चलो चलो मिट गई खुजली, चलो चलो घर पे जाओ। कुछ भी आच्छी आच्छी। सर्वकाल ने कहा था कि भारत नगर में ही किसी बरगद के पेड़ पे वो छुपी शक्ति है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी बरगद के पेड़ में वो छुपी शक्ति मिल ही नहीं रही। खुशी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना? नहीं, आज तो संडे है, लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो, आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे अरे भाई भाई, आप बताइए आपको क्या हुआ, बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है, और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिमनासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा? जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिमनासा।
सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक, और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सर्वकार, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी, और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वकाल। इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा? यानी मैंने उस जीरो वोट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी? पापा जी, आप ठीक है ना? मम्मी, दादाजी, क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींकी क्यों आने लगी है? मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो, नहीं सुनो, तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ, दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे अरे रुक जा, रुक। खुशी तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है, जाओ। मुझे विवान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिमनासा का हाथ है। नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ, जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ? कि
क्या हुआ विमान? देखो भैया, क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विमान पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस दमना सा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे? देखो भैया, अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आई और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि तमन्ना से कोई वायरस मिला कहाँ से। अच्छा जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है।